हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। बोले वॉइस क्रॉस कम हो गया, राइट है। एक्टिंग प्रॉब्लम हेलो। यस सर, यस सर। टैप 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 करियो। हेलो। हाँ, यस आवाज सर, आ रही है बेटा अभी मेरी? सर, हाँ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर योर एग्जाम? फाइन फाइन सर, सर। अच्छा रहा, मैंने अभी देखा था कई बच्चों का, कईयों ने बहुत अच्छा किया है, और कुछ और अब जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो और ट्राई करना। अब जैसे ही पेपर अगर हमारा जैसे इस पे ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं सारा पेपर डिस्कस करूंगा मैं आपसे। ओके ओके, यस सर, यस सर। तो लेट कंटिन्यू फॉर टुडेज टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट कर रहे थे। आज मैं आपको बेटा सिखाऊंगा, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन कैसे बनता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो टुडे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, कुछ आज करेंगे अब हम। तो टुडेज टॉपिक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। एक जो सॉल्यूशन है, अभी पढ़ेंगे सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम, और फिर उसमें किसका मेजरमेंट करेंगे, किसकी कॉन्सेंट्रेशन हम चेक करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन क्या चीज है, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम। सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एटलीस्ट टू सब्सटेंस तो होंगे, लेकिन टू से ज्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो, उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे बेटा। जो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म सब जगह एक जैसे रहते हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसका हम ये कह सकते हैं फेज वन रहता है, जिसमें एटलीस्ट फेज जो होगा वो वन और मोर देन वन होगा। सब्सटेंस टू होंगे एटलीस्ट, लेकिन फेज दोनों मिक्सअप होके एक जैसा बना लें सारा, तो फेज एटलीस्ट वन या ज्यादा हो सकता है। तो इसके जो पार्ट होते हैं बेटा, उसमें दो पार्ट लेते हैं एटलीस्ट। अगर हमारे पास सपोज टू कंपोनेंट हैं, सपोज एटलीस्ट हमारे पास टू कंपोनेंट हैं, तो टू कंपोनेंट जो होंगे हमारे पास, एक होगा सॉल्यूट एंड सेकेंड वन को बोलेंगे हम सॉल्वेंट। वन इज द सॉल्यूट, सेकेंड वन इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं और सॉल्यूट किसको कहते हैं हम, तो स्पेशली ध्यान रखना है बेटा। इट शुड बी कीप इन माइंड कि ऑलवेज, अगर आपको याद करना है कि ऑलवेज, ऑलवेज के लिए याद करना है, जिसका फिजिकल स्टेट, दैट कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट, फिजिकल मतलब
सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है, दैट कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज मैच्ड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसकी फिजिकल स्टेट से जो मैच करता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ऑलवेज अगर पढ़ना है तो सॉल्वेंट कौन होगा, जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल फिजिकल स्टेट से मैच करती हो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। बट आपने नोट किया होगा, अब तक पढ़ा होगा कि भाई जनरली अगर हम बोल देते हैं जो ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, बट नॉट ऑलवेज, जनरली जो एक्सेस होता है, एक्सेस वाला कंपोनेंट होगा, देन दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। बट नॉट ऑलवेज, एक्सेस वाला ऑलवेज नहीं होता, बट जनरली हम बोल सकते हैं जो ज्यादा होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होगा, ऐसी कोई भी कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती होगी उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। हाउ, लेट मी टेक सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस थिंग। कि सपोज मेरे पास, सपोज ये वाटर है, ये वाटर है बेटा, और यू नो वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, और वाटर में मैंने कुछ अमाउंट शुगर का डाल दिया, चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया हमने। शुगर जो होता है वो सॉलिड होता है। अब फाइनल जब शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी तो ये टोटल जो होगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन हमें शुगर दिखाई थोड़ी देगी, हमें तो लिक्विड ही दिखाई देगा, टोटल सारा का सारा वो डिसॉल्व हो जाएगी शुगर, तो ये जो बनेगा ये सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन दिखाई देगा आपको वो लिक्विड दिखाई देगा। तो इन दोनों में जो लिक्विड होगा जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करता है, दैट कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सो इन दिस केस H2O लिक्विड, और फाइनल सॉल्यूशन भी लिक्विड, इट मींस H2O हेयर एक्ट एज द सॉल्वेंट। यहां पर H2O जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और शुगर जो काम कर रहा है वो बेटा सॉल्यूट का काम कर रहा है। बट जैसे इसका मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। हेयर शुगर इज सॉल्यूट, वेरी सिंपल, एंड H2O इज सॉल्वेंट। बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, आपके 10th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा कि कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर लेते हैं, एन हाइड्रस मीनिंग क्या होता है बेटा, जिसमें पानी नहीं हो, तो एक्वस कॉपर सल्फेट जो है वो आपका सॉलिड है, और इसमें अगर वाटर मोलिक्यूल थोड़ा सा अमाउंट वाटर का डाल दें तो वाटर लिक्विड है, और ये मिलके अगर 1:5 रेशियो में मिलके अगर ये CuSO4.5H2O बना दे तो ये ब्लू कलर का सॉलिड हो जाता है, ये ब्लू सॉलिड हो जाता है। तो ये जो ब्लू सॉलिड हो जाता है, तो अब देखो फाइनल सॉल्यूशन बन गया, अभी इन दोनों कंपोनेंट का ये सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा आ रहा है बेटा, देखो सॉलिड है। हेयर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड, सो इन बोथ कंपोनेंट सॉलिड एक्ट एज सॉल्वेंट। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, यहां पर H2O जो वर्क करेगा बेटा वो जो वर्क करेगा, इट एक्ट एज सॉल्यूट, इट एक्ट एज सॉल्यूट। और जो ब्लू सॉलिड मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल। तो ये प्रॉब्लम भी काफी बार आता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल, देन यू कैन से CuSO4 पेंटाहाइड्रेट, जो क्रिस्टलाइन वाटर है 5 पार्टिकल होंगे तो उसको ब्लू विट्रोल कहेंगे। बट जो ये होगा एनहाइड्रस, जब वाटर अटैच नहीं होगा, जो कॉपर सल्फेट होगा, देन ये जो होता है ये आपका कलरलेस होता है, कलरलेस। तो फर्स्ट थिंग अपनी क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस। होमोजीनियटी मीन जिसका फेज एटलीस्ट 1 होना चाहिए, अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाने चाहिए, और एटलीस्ट अगर 2 कंपोनेंट है तो सॉल्यूट एक या एक से ज्यादा हो सकता है, सॉल्यूट जो हो सकता है वो आपका 1 या greater than 1 हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 सॉल्यूट होगा, 1 सॉल्वेंट होगा। तो 2 कंपोनेंट में, इन अबो 2 कंपोनेंट, विच कंपोनेंट एक्ट एज सॉल्वेंट एंड विच इज सॉल्यूट, इफ वी कंसिडर इन द टर्म ऑफ ऑलवेज, तो देन यू कैन से दैट दैट कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज मैच्ड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जिस तरह का दिखाई देगा उसी तरह का जो कंपोनेंट होगा, दैट एक्ट इज सॉल्वेंट। बट जनरली क्या बोल देते हैं, क्योंकि जनरली क्या फाइनल स्टेट उसी की बनती है जो एक्सेस वाला होता है, बट जनरली जो बोलेंगे जो एक्सेस होगा वो सॉल्वेंट होगा। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल शेयर किए,
in let's see, the first example is the aqueous solution of sugar. Aqueous solution of sugar is liquid, so here liquid component is solvent, so water acts as solvent. But in another example, you can see we take the mixture of homogeneous mixture of copper sulfate and water to give blue vitriol. So we can say that blue vitriol now is a solution. Blue vitriol is now a solution and its physical state is solid. So in above two component, solid component act as solvent and water here act as solute. Is it clear, beta? Yahan tak kisi ko problem? Crystal clear, sir. क्रिस्टल क्लियर है ना. तो इसमें एक चीज देखो बेटा आप, इसका मतलब एक पॉइंट और दिमाग में रखना आपने कि अगर हम ये बोल देते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर, इसका मतलब मिक्सचर तो दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस भी होता है एंड सेकंड वन हेटरोजीनियस. तो सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकते, लेकिन सारे सॉल्यूशन मिक्सचर हैं. एटलीस्ट जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो मिक्सचर तो होंगे, बट सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होंगे. तो वी कैन से दैट ऑल सॉल्यूशन, all solutions are mixture. Exam में आ जाए तो ध्यान देना है छोटे छोटे points पर. But all mixture are not solution. जैसे हेटरोजीनियस मिक्सचर है, जैसे मान लो हम चावल खा रहे हैं, राइस खाना खा रहे हैं और बीच में से कोई स्टोन आ गया, तो वो भी तो मिक्सचर ही है बेटा एक, लेकिन वो स्टोन हर जगह नहीं आएगा, कहीं कहीं आएगा. इट मींस वो हेटरोजीनियस मिक्सचर है, तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं बोल सकते. सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा. तो अब किसी भी सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट डालते हो तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म. और कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है आप डिफरेंट वे में कंसिडर कर सकते हैं. आप कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन आप डिफरेंट वे में कंसीडर कर सकते हैं. तो कैसे कंसीडर करते हैं देखो. अब हम कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारी हैं, आप मेजरमेंट कंसंट्रेशन का बहुत सारे टर्म में कर सकते हो. जैसे कुछ हम स्टडी करेंगे मोलेरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ऐसे कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा. तो ऐसी कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म. तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे हम कर सकते हैं कंसीडर करें वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म. तो वॉल्यूम फिर स्पेशली अगर हम पढ़ेंगे, फिर इनके अंदर जो कंसीडर करेंगे वेट बाय वेट कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम, तो डिफरेंट वे में हम देखेंगे. तो फिर देखो यहां लिख देता हूं मैं, फिर हम पढ़ेंगे जैसे मोलेरिटी, इस मोलेरिटी को आप कैपिटल एम से डिनोट करेंगे आप मोलेरिटी. नेक्स्ट हम करेंगे देखो इसमें मोलेरिटी के साथ मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलिटी स्मॉल एम करेंगे. फिर हम करेंगे देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करेंगे, काई सिंबल होगा मोल फ्रैक्शन. तो ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे. जैसे और आप स्पेसिफाई करोगे, जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ते हो आप, परसेंटेज कंसंट्रेशन, आप पर पार्ट मिलियन पीपीएम कंसंट्रेशन कंसिडर करेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हम स्टडी करेंगे. नॉर्मेलिटी करेंगे, इन सब के मीनिंग में सिखाऊंगा अभी आपको. नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा. तो वन बाय वन लेते हैं, बहुत इजी है, सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा. देखो सपोज मुझे सबसे पहले करना है वेट बाय वेट, मतलब डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कॉन्सेंट्रेशन टर्म. तो इसका वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब भी लेना हो सब आपने, तो इसमें क्या करना है, ऊपर वाला वेट हमेशा सोल्यूट का होगा, नीचे वाला वेट जो होगा वो सॉल्यूशन का होगा. जैसे मान लो परसेंटेज निकालना है, सपोज आपको परसेंटेज निकालना है वेट बाय वेट, तो आप कैसे लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन परसेंट, पर सेंट, सेंट मतलब 100, तो इनटू 100 आ जाएगा.
परसेंटेज वेट बाय वेट करना है तो आप लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, अगर आपको सॉल्यूशन का डायरेक्ट वेट नहीं दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप ये भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। अगर मैं कह दूं आपको ppm में निकालना है, देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म और वेट की टर्म में निकालना है, ppm 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 पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख, 1 लाख में 50 होते हैं, 10 लाख के अंदर 6 हैं, तो ppm में कंसंट्रेशन निकालना, जैसे पोल्यूशन जो होता है वो पर मिलियन चेक किया जाता है, पोल्यूशन जो पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसका फार्मूला आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट सिमिलर ऊपर वाला ही, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 की बजाय, सेंट तो 100 होता है, मिलियन 10 रेज टू पावर 6 होता है, तो ये लगा दोगे आप, 1000 कहता तो 1000 लगा देते, तो ppm कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो आपके वेट बाई वेट होते हैं, वेट बाई वेट। हाँ बेटा, ppm की फुल फॉर्म बता दीजिए सर। पर पार्ट मिलियन, मतलब एक मिलियन में कितना पार्ट किसी चीज का है, मान लो टोटल सॉल्यूशन है 10 लाख, 10 लाख में से कितना पार्ट होगा, जैसे परसेंट, परसेंट कैसे बोलते हो बेटा, पर मतलब सेंट मतलब 100 में कितना पार्ट है, तो 100 में किसी चीज का कितना पार्ट है तो उसको परसेंट बोलते हैं, और इसको पर पार्ट मिलियन बोल देते हैं, ppm। क्लियर बेटा? ओके सर। नेक्स्ट चलो बेटा देखो, अगर आपने ये तो वेट बाय वेट निकाला है, वेट बाय वेट जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज मैं आपको कहता हूं कि कोई मेरे पास सॉल्यूशन है, आई हैव वन सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन दिस है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एनीवे सॉल्यूशन है, 10% बाय वेट ऑफ NaOH aqueous solution। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, अगर मैं ये बोल दूं आपको 10% by weight of NaOH aqueous solution, तो 10% परसेंट मतलब 100 में से 10% मतलब 10 पार्ट जो होगा वो NaOH का होगा, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इसका मीनिंग मैं ये बोल सकता हूं एज 10 ग्राम NaOH is dissolved in 100 gram solution। यही हुआ ना, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आपका आपके 10% मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब 100 में से 10 होंगे या जितने भी होंगे उसका 10% होगा, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम होगा, जितना भी होगा उसका 10% हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर 80 ग्राम ले लिया मैंने सॉल्यूशन तो 8 ग्राम आ जाएगा, ये 8 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 80 ग्राम सॉल्यूशन बोल सकता हूं। तो 10% में फार्मूला कैसे यूज करोगे, परसेंटेज वेट बाय वेट की जगह 10 लिख दोगे, यहां वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन होगा और आप यहां से इनटू 100 करके वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल दोगे। ppm कैलकुलेट करना है तो ppm कैलकुलेट कर लोगे, सपोज देखो बेटा ये एक एग्जांपल लिया मैंने, टू हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 40% वेट ऑफ NaOH if on heating, suppose ये 200 ग्राम है ना, यहां से 200 ग्राम aqueous solution ले लेते हैं, 200 ग्राम aqueous solution contain 40% weight of NaOH if on heating इफ ऑन डाइल्यूशन
50 gram of water is added, then what is the percentage by weight of solute? तो देखो बच्चों, इसको प्रैक्टिकली सोचते जाना है। जितना हम प्रैक्टिकली सोचेंगे ना बेटा, उतना बड़ा क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। ये सपोज हम क्या करते हैं, मैं आपको लेबोरेटरी में बाय में माइंड लेबोरेटरी ले चलता हूं मैं आपको। सपोज तो लेबोरेटरी चलते हैं, तो सपोज लेबोरेटरी में हम वर्क कर रहे हैं। लेबोरेटरी में वर्क क्या किया हमने, पहले सपोज हमने क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया वाटर का, और ये वाटर का सोल्यूशन लिया ये फर्स्ट, और ये टोटल सोल्यूशन जो है 32% आएगा सर इसका। 32 आएगा ना बेटा, देखते हैं। देखो अगर मैं ये कह दूं कि आपको टोटल ही मेरे पास सॉल्यूशन है और टोटल है 200 ग्राम और इसके अंदर जो 40% है वो आपका NaOH है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस 40% NaOH था, अब मैंने इसके अंदर कह दिया कि भाई 200 में वाटर और मिला दिया, तो वाटर अब कितना हो गया हमारे पास 250 ग्राम। अब 250 ग्राम है तो यहाँ वेट तो नहीं पता ना, ये परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। अब तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पर पहले इनिशियल, सिंपली इनिशियल वेट ऑफ सॉल्यूशन देखो आपका कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम में आपने सॉल्यूट कितना है 40%, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लो। वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करोगे देन 200 का 40%, 40% मतलब कितना हो गया बेटा 80 ग्राम। तो अब जो सॉल्यूट है, अब आपने तो वाटर ही एक्स्ट्रा ऐड किया था, वाटर ऐड करके आपने 250 ग्राम वाटर बना लिया था, तो इसका मतलब वेट तो जो है वो फिक्स रहेगा। तो अब NaOH का वेट तो हमें पता लग गया, तो अब नेक्स्ट फाइनली क्या हुआ, फाइनली यू कैन से वेट ऑफ सॉल्यूशन, फाइनली टोटल वेट देखो, वेट ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम, एंड वेट ऑफ सॉल्यूट में तो कोई चेंज नहीं आया होगा क्योंकि आपने सॉल्यूट को तो चेंज ही नहीं किया, सिर्फ वाटर ऐड किया है। वो कितना था जो पहले वाली स्टेज के अंदर है, वही तो रहेगा 80 ग्राम में, तो 80 ग्राम ही रहेगा, वो आपका आ गया 80 ग्राम। अब आपने दोबारा परसेंटेज निकालना है वेट बाई वेट सोल्यूट का, तो वेट ऑफ सोल्यूट 80 ग्राम डिवाइडेड बाई 250 into 100, तो आप 50 से निकाल सकते हो। ये 50 कितने पे चला जाएगा, 5 पे, या 25 से निकाल दो, 25 ये 10 आ गया, 25 4 आ गया, 8 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही रहा, तो परसेंटेज देखो चेंज हो गया। तो इस हिसाब से जो पहले 40% NaOH था वो आपका 32% है। तो आपके पास मैंने क्या चेंज किया, आपने फोकस क्या करना है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। आपने वाटर मिक्स कर रहे हो तो वाटर ही तो चेंज होगा, वाटर चेंज होने से टोटल सॉल्यूशन का वेट चेंज हो जाएगा, बट सॉल्यूट जितना था वो तो उतना ही रहेगा। 200 ग्राम का 40% मतलब 200 का 40% सिंपल कैलकुलेशन भी करोगे तो 80 ग्राम होता है, तो NaOH आपका 80 ग्राम ही रहेगा, और सॉल्यूशन का वेट बढ़ जाएगा 250, तो यू कैन कैलकुलेट न्यू कॉन्सेंट्रेशन, न्यू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बेटा, किसी को डाउट? नेक्स्ट बेटा देखो, फिर मैंने आपको दिया है, दूसरा दिया था वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। आवाज आ रही है बेटा मेरी, वेट बाय वॉल्यूम सुन रहे हो बेटा मुझे, रिस्पॉन्स करते जाओ बीच में। यस सर, वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो जो पहले होता है वो हमेशा सॉल्यूट के लिए होता है, जो बाद वाला होता है वो पूरे सॉल्यूशन के लिए होता है। इसका मतलब ये जो चीज हो गई आपकी वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर वेट सॉल्यूट का आ जाएगा, नीचे वाला वॉल्यूम सॉल्यूशन का आ जाएगा। सपोज मुझे निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेरी सिंपल, जैसे पहले किया था आपने, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब की बार नीचे जो आ जाएगा वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज निकाल रहे हो तो इनटू 100 कर दोगे। बट अब सपोज मैं एज एग्जांपल आपको ये लिख दूं इस केस में कि 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। अब थोड़ा बेटा समझना है बात को, एक्वस सॉल्यूशन
अब बिकॉज वेट और वॉल्यूम है तो दोनों का सम हम नहीं कर सकते, हम 10% लिख दिया वेट बाई वॉल्यूम, तो सपोज मैं कह देता हूं कि वॉल्यूम अगर एक्वस वॉल्यूम सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर है तो उसका 10%, तो मतलब 10 ग्राम NaH होगा, तो इसका मतलब होगा 10 ग्राम NaOH इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, या इसको आप सॉल्वेंट भी बोल सकते हो क्योंकि अब की बार वेट नहीं है, वेट होता तो अलग बात होती। देखो ऊपर वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, आई मेक इट क्लियर कि जैसे सपोज मैंने यहां लिखा था आपका 10% वेट बाई NaOH एक्वा सॉल्यूशन, यहां तो वेट था तो 10% वेट बाई वेट था, तो हम कह सकते थे 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट लेना होता तो ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, तो ये हमें कम करना पड़ता, तो हम कहते हैं कि 10 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम सॉल्वेंट, यहां 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा, लेकिन जब वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, इधर वेट है इधर वॉल्यूम है, तो फिर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अमाउंट सेम ही लेंगे, 100 ही लेंगे, तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हो, 10 ग्राम NaOH इन 100 मिली सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। एंड देखो इसी टाइप से फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अच्छा ये भी कर सकते हो आप, वेट बाय वॉल्यूम को एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं हम, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ, सिर्फ स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम जब लेते हैं तो जनरली क्या है कि हम कोई सॉल्वेंट लिक्विड लेते हैं तो और उसमें सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो उसको स्ट्रेंथ बोल देते हैं, वेट बाय वॉल्यूम को। नेक्स्ट देखो हमने पढ़ा फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मेरे ख्याल से अब समझ गए होंगे आप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो 100। सपोज उसी तरीके से एग्जांपल लिया, मैंने आपको बोल दिया 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बेटा इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, एज एग्जांपल इसको पढ़ सकते हैं 10 मिलीलीटर ऑफ NaOH, अब मान लो मैं लिक्विड ही ले लेता हूं क्योंकि दोनों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहे हैं, तो लिक्विड मैंने लिख दिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो मैं कहूंगा 10 मिलीलीटर ऑफ एथेनॉल इज डिसॉल्वड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन को एक काम और कर सकते हो बेटा आप, बिकॉज दोनों वॉल्यूम है तो टोटल 100 है उसमें 10 मिलीलीटर ये है, तो आप ये भी बोल सकते हो और इन 90 मिलीलीटर सॉल्वेंट, 90 मिलीलीटर सिर्फ सॉल्वेंट लिखना है तो 90 मिलीलीटर सॉल्वेंट, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो सॉल्वेंट जो होता है वो कम लेना होता है, माइनस करके लेना होता है, लेकिन अलग अलग होते हैं देन हम ऐसा नहीं करते, दोनों की फिजिकल स्टेट अलग है, तो फिर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी उतना ही लेना पड़ेगा हमें, तो वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब वो चीजें यूज करते हैं बेटा जो टेक्निकली टर्म हमारी ज्यादा यूज होंगी इस चैप्टर में। सपोज नेक्स्ट पॉइंट लिया मैंने मोलेरिटी, मोलेरिटी तो डिफाइन कैसे करोगे, मोलेरिटी को कैपिटल M से लिखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होगा हमारे मोलेरिटी, तो मोलेरिटी क्या होगी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये कैलकुलेशन है, एक पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व हुआ है, सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं पर लीटर में, वो होता है मोलेरिटी। तो इट मींस अगर आप बेटा मोलेरिटी कैलकुलेट करना चाहते हो तो फार्मूला डायरेक्ट बना सकते हो, मोलेरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके, सॉल्यूट के,
नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसमें लेना है आपने, लीटर में, वॉल्यूम इन लीटर, और लेना किसका है, सॉल्यूशन का। अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेके उससे डिवाइड कर देंगे देन हमारी जो कैलकुलेशन आएगी वो आ जाएगी मोलरिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन। सपोज आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन दिया जाए तो आप उसको जो है लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, मान लो मैं कह देता हूं 1 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देना तो लीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम, अगर ये वाला वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो इसको 1000 से डिवाइड, मतलब ऊपर 1000 आ जाएगा तो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इस फार्मूले को कैसे लिख सकता हूं शॉर्टकट में, सपोज शॉर्टकट में मोलरिटी को हम ले लेते हैं बेटा कैपिटल एम से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को ले लेते हैं स्मॉल एन से सपोज, और वॉल्यूम को लिख लेते हैं वी से। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं फार्मूला मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, तो लीटर में आ जाएगा। तो यूनिट देखो, अब इसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट देते जाओ जो जो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते जाए, जैसे यूनिट पूछ लेगा एग्जाम में आपके, यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो देखो ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, मोल का यूनिट मोल ही होता है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या लिखोगे आप, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। या वॉल्यूम आप बहुत सारी टर्म में यूज कर सकते हो, लीटर की बजाय एसआई यूनिट में करोगे तो मीटर क्यूब में करते हो, तो इसी का आप क्या लिख दोगे, और मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब। ये कब देना है, इफ एग्जामिनर आस्क फ्रॉम अस इन यूनिट ऑफ मोलरिटी इन एसआई यूनिट, अगर आपसे एसआई यूनिट में पूछेगा इन एसआई यूनिट, देन यू कैन गिव दिस आंसर मोल पर मीटर क्यूब। और ये जो होगा ऑर्डिनरी यूनिट जो होगा वो मोल पर लीटर, ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी यूनिट, और वो जो है एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट होगा तो मोल पर मीटर क्यूब देंगे। और सिंपल इसी तरह पूछ लिया भाई, सिर्फ जनरल यूनिट ऑफ मोलरिटी देन मोल पर लीटर। दूसरा पॉइंट देखो यहां पर क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर सपोज वॉल्यूम मिलीलीटर में आ जाए तो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या फार्मूला लिख सकते हो, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के वॉल्यूम, अगर मान लेते हैं ये गिवन है इन मिलीलीटर, आपके पास वॉल्यूम मिलीलीटर, तो लीटर में कन्वर्ट कर देना। मतलब आप कुछ मत ये मत सोचना, इसको सोचने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम देख लेना कि अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो यहां 1000 लगा दे। मोलरिटी एन अपॉन वी 1000। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, यहां पर मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में लेना होता है आपको। तो एक चीज तो है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो अमाउंट, जैसे कोई सॉल्यूशन बना हुआ है आपके पास, उसमें सॉल्यूट के मोल तो ठीक है वो सॉलिड है फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम तो कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि लिक्विड जो है वो एक्सपेंड हो सकता है या कॉम्प्रेस हो सकता है टेम्परेचर के साथ। अगर ये चीज चेंज होगी तो ये भी चीज चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जब नंबर ऑफ मोल के नीचे वॉल्यूम आ रहा है, ये तो वेट है, वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, मोल से मोल जो है वेट से बना सकते हो, तो मोल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप बोलोगे मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो आपके तीन इंपोर्टेंट, पहला तो मोलरिटी फार्मूला लिख लिख के याद करोगे, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर, या पोल मोल पर मीटर क्यूब इन एसआई यूनिट। सिंपल फार्मूला बनाओगे, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो 1000 लगा देना। और मोलरिटी जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट
कंसंट्रेशन टर्म में, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मोलरिटी कम हो जाएगी। अब आप एक जो है पिछली जितनी चीजें पढ़ी हैं वो भी लगा सकते हो। वो चीजें क्या पढ़ी हैं कि अगर आपको मोल डायरेक्ट ना गिवन हो तो मोल जिस जिस से आप निकाल सकते हो वो सारी चीजें यूज कर सकते हो आप। तो मोल किस किस से निकाल सकते थे, मोल एन मैंने बताया था वेट से निकाल सकते हो या नंबर से, तो एन अपॉन एन ए किसी भी स्पीसीज के गिवन नंबर को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी मोल आ जाएंगे, या नंबर नहीं दे रखा आपको वेट दे रखा है तो वेट अपॉन फार्मूला वेट, या इसको मोलर मास बोला था तो उससे डिवाइड कर सकते हो। तो वॉल्यूम से गैस होगी तो वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हो, तो मोल आप जिस जैसी चीज दे रखी है उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज एक चीज और सीख लिया आपने कि मोल इसका मतलब एक फार्मूला और भी तो हो गया हमारा, ये देखो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो एन मोल ही तो है, मोल ऑफ सोल्यूट मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। मोल अगर हमें सोल्यूट के निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन लीटर में मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल एन इंटू एम वी, बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड वॉल्यूम मस्ट बी टेकन इन लीटर, तब आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे सोल्यूट के। तो देखो अभी तक बेटा आपने पहले क्या फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल किसी सोल्यूट के कैलकुलेट कर सकते हो नंबर से, नंबर अपॉन गिवन नंबर, या किससे कैलकुलेट कर सकते हो वेट से, वेट अपॉन जो भी उसका मोलिकुलर वेट है। आज एक फार्मूला और पढ़ लिया हमने, हमने इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द मोल ऑफ सोल्यूट देन वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम, मोलरिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम बट इन लीटर, देन इट गिव्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कहां से आया, बाय डेफिनेशन मोलरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को, पूछ सकता है किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो। सर इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसकी जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं, इसमें बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको। सॉल्यूशन मतलब अगर सॉल्यूट भी लिक्विड है सॉल्वेंट भी लिक्विड है तो दोनों का सम लगा के लिखना पड़ेगा, तो वो यहां पर इसीलिए मैंने स्पेशली दिया है सॉल्यूशन ही लिखना है, यहां सॉल्वेंट नहीं लिखना आपने, क्लियर, यहां सॉल्यूशन ही लेना है। यस सर। देखो बेटा अब सपोज मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूं, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत कुछ काम इस पर करना है, बहुत सारी बातें करनी है इस पर, अभी मोलरिटी पर आज का सारा टॉपिक हमारा इसी पे चलेगा। सपोज मैंने एक सिंपल सा प्रॉब्लम दिया, थ्री इंटू टेन रेज टू पावर 20 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 3 × 10⁻²⁰ मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा हमें फार्मूला अपनी तरफ से सीधा उठा के नहीं लगाना, पहले सोचना है कि हम क्या लगा सकते हैं। देखो मोलरिटी निकालनी है अपने को, तो मोलरिटी का मतलब कुछ प्रैक्टिकली सोचोगे तो वाटर 100 मिलीलीटर लिया उसमें ग्लूकोज के कुछ पार्टिकल डाल दिया आपने। अब आपके पास फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है आप उससे स्टार्ट करो हमेशा, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 5 × 10⁻³ m निकालते हैं बेटा, क्योंकि मैं तो आपको रेंडमली क्वेश्चन बना के देता हूं ना, तो मोलरिटी इज इक्वल में अब आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किससे बनाओगे, जो डाटा दिया हुआ है, तो हमें मोलिक्यूल दे रखे हैं, मोलिक्यूल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो मोल हो गए, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए, इनटू वॉल्यूम जो हमें गिवन है वो मिलीलीटर में है, तो जो अगर ये मिलीलीटर में होता है तो ऊपर क्या लगा देते हो आप 1000, तो यही फार्मूला ऐसे फ्रेम हो गया। अब हमारे पास सारे डेटा हैं जो हमें दे रखे हैं, तो देखो n नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा है 3 × 10⁻²⁰ डिवाइडेड बाई एन ए, एवोगैड्रो नंबर फिक्स होता है अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻²⁰, ये आपके पास ये आ गया, और वॉल्यूम दे रखा है हमें 100
मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये 10 रेज टू पावर 20 और 3, ये तो 23 कैंसिल हो गया, ये 3 टू जा 6 हो गया, 1/2 होता तो 0.5 आता, 0.5 और इनटू जो आ जाएगा ये 100 है तो 10 रेज टू पावर माइनस 2। तो क्या लिख सकते हो, एक तो ये लिख सकते हो आप 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर, या क्या लिख सकते हो और 0.005 मोलर। तो आपने फार्मूला जो फ्रेम करना बेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी हो उसी के हिसाब से आपने फार्मूला फ्रेम करना है। 3 इंटू 10 रेज टू पावर 20 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर डिसॉल्व, तो मोलिक्यूल दे रखे थे उससे आपने ग्लूकोज के मोल बना लिए, और वॉल्यूम मिलीलीटर में था तो लीटर का फार्मूला कन्वर्ट कर दिया और इस टाइप से आपने कर लिया ऐसे। क्लियर बेटा, किसी को डाउट? बढ़ते जाए आगे। देखो बेटा, इसी को मैं ऐसे कर रहा हूं, अब इस प्रॉब्लम को मैं आपको ऐसे दे रहा हूं कि सपोज 10 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर वाटर। नंबर वन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉब्लम, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेप बढ़ाते जाएंगे, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, इफ 250 मिलीलीटर वाटर इज एडेड देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। वाटर एडिड को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूट कर दिया मैंने इसको, डाइल्यूशन। एंड थर्ड पार्ट बेटा मैंने आपको दे दिया, थर्ड पार्ट मैंने आपको दे दिया। अभी इससे ना हम कुछ सारी चीजें सीखेंगे, हम इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे कि भाई और क्या क्या प्रॉब्लम बना सकता है एग्जामिनर। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 ग्राम एक्स्ट्रा NaOH इज एडेड इन फर्स्ट सॉल्यूशन देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, वापिस वही बात, मतलब जो चीज आप न्यूमेरिकल बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए अगर आप उसको ना थोड़ा सा जो है रियलाइज करने लग जाओ, मतलब सोचने लग जाओ कि भाई जो जो काम हो रहा है उसको हम सोचते जाते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम बना रहा हूं मैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं फर्स्ट प्रॉब्लम में। फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर वाटर। वाटर तो बेटा सभी ने देखा हुआ लिक्विड होता है, NaOH देखा हुआ है बेटा किसी ने? NaOH जो होता है वो सॉलिड प्लेट, ऐसे पैलेट सी होती हैं जो वाटर में डालते ही डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे आप कह सकते हो जैसे टॉफी होती हैं, और वाटर सोल्यूबल होती हैं। तो 10 ग्राम NaOH को हमने 250 मिलीलीटर में डिसॉल्व कर दिया। तो सपोज ये हमारे पास वाटर था, ये था H2O, और H2O जो था बेटा हमारे पास वो था 250 मिलीलीटर, और स्टार्टिंग का बड़ा इजी प्रॉब्लम दे दिया मैंने, इसका मतलब ये तो हो गया सॉल्वेंट, इट इज सॉल्वेंट। एंड नाउ सॉल्यूट NaOH 10 ग्राम इज एडेड इन दिस सॉल्यूशन, तो आपका ये हो गया सॉल्यूट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वेरी सिंपल, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जनरल फार्मूला हमारा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट यहां NaOH है, वन मोलर आ रहा है बेटा। और इधर देखो वॉल्यूम लिख दो, वॉल्यूम सॉल्वेंट लिखो, सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि वाटर ही है ये तो सारा, NaOH तो सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। बट आपने देखा कि नंबर ऑफ मोल अब किससे निकालोगे, देखो आपको वेट दे रखा है, अब तो सॉल्यूट का वेट है तो वेट से निकालो, वेट अपॉन फार्मूला वेट, ये तो नंबर ऑफ मोल हो गए सॉल्यूट के।
इनटू वॉल्यूम, देखो आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो 1000 लगा दो। तो अब पॉइंट क्या आया कि मोलरिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, वेट है हमारे पास 10 ग्राम, फार्मूला वेट NaOH का हो जाएगा 40 इंटू 1000, और वॉल्यूम देखो बेटा मिलीलीटर कितना दे रखा था हमें स्टार्टिंग में 250। तो ये इससे कैंसिल आ गया बेटा देखो, और 250 कितने पे चला गया, 4 पे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 मोलर आ गया सॉल्यूशन हमारा। इट मींस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर होगी। नाउ यू आर सपोज टू रियलाइज द अनदर टू क्वेश्चन कि मोलरिटी चेंज कैसे हो सकती है, किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी कैसे चेंज हो सकता है। तो मोलरिटी चेंज कैसे हो सकता है और कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है ये देख रहे हैं हम। देखो दूसरे क्वेश्चन में अपना क्लियर हो जाएगा, इफ 250 मिलीलीटर वाटर इज एडेड देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट सो टफ थिंग कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम है। सोल्यूट के मोल बढ़ाओगे तो मोलरिटी बढ़ेगी, मतलब इस केस में आपकी मोलरिटी बढ़ी हुई होनी चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन है तो अगर एक ही ऑप्शन ज्यादा वाला है 1 मोलर से तो वही आ जाएगा, और अगर ये कॉन्स्टेंट रखते हो और वॉल्यूम आप बढ़ाते हो तो मोलरिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप 10 ग्राम NaOH ऐड करते हैं तो इसका मतलब NaOH ऐड करोगे तो मोलरिटी बढ़नी चाहिए, और वाटर ऐड करते हो डाइल्यूशन करते हो तो मोलरिटी कम होनी चाहिए। तो लेट वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट और कितना फर्क पड़ा वो भी देखते हैं हम। देखो इन सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, 250 मिलीलीटर वाटर इज एडेड। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था पहले आपके पास बेटा, पहले आपके पास सॉल्यूशन था 250 लीटर वाटर था, और उस वाटर के अंदर आपने क्या मिला रखा था, 10 ग्राम NaOH लगा रखा था, और फिर आपने क्या मिला दिया, अब यहां पर 250 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया। ऐड का मतलब, वाटर ऐड करने का मतलब आपने कर दिया बेटा डाइल्यूशन, टेक्निकल टर्म में इसको बोलेंगे डाइल्यूशन। देन हमारे पास मोलरिटी क्या आएगी, तो आपके पास दो तरीके हैं बेटा। देखो एक चीज तो क्लियर है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, सोल्यूट तो चेंज नहीं किया आपने, आपने तो सिर्फ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट चेंज किया है। तो ऐसे केसेस में क्या लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट फाइनल। बहुत सिंपल तरीका बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इनिशियल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट फाइनल। और नंबर ऑफ मोल किससे निकाल सकते हो आप, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इनिशियल मोलरिटी इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल मोल आ जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल मोलरिटी और फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल मोलरिटी तो आप निकाल चुके थे पहले, ये देखो 1 मोलर पहले कैलकुलेट कर चुके आप पहले वाले सॉल्यूशन की, तो ये 1 ले लिया। पहले वाला वॉल्यूम भी आपको पता है 250 था, 250 मिलीलीटर ले लिया। इधर नई मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, और वॉल्यूम देखो 250 तो ऑलरेडी था आपके पास, और 250 और कर दिया, तो यहां आप कितना लेंगे बेटा, 250 प्लस 250 मतलब 500 मिलीलीटर यूज करेंगे बेटा। तो इसका मतलब 250 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो मोलरिटी जो फाइनल हो जाएगी वो आ जाएगी 1/2 मोलर। 1/2 मोलर का मतलब 0.5 मोलर। तो देखो बेटा क्या किया मैंने इस केस में, तो इस केस में क्या है, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन करने से सोल्यूट जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, तो सोल्यूट के मोल कॉन्स्टेंट है तो हम इक्वेट कर देंगे। इनिशियल आई का मतलब इनिशियल, एन का मतलब मोल, इनिशियल मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू फाइनल मोल ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट मोलरिटी से निकाल सकते हो आप, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम फाइनल, एंड मोलरिटी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, मोलरिटी ऑलरेडी हैव बीन कैलकुलेटेड 1 मोलर। सो इनिशियल मोलरिटी इज 1, इनिशियल वॉल्यूम 250, न्यू मोलरिटी कैलकुलेट करना है, फाइनली आया। तो इस चीज से आपको क्या पता लगा बेटा, कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कांस्टेंट हो और डाइल्यूशन किया जाए तो उसकी मोलरिटी कम हो जाती है बेटा। देखो पहले 1 मोलर थी, अब कितनी हो गई, 0.5 हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, साथ में आप अपना जो होगा वो फंडामेंटल क्लियर करेंगे, मतलब आप जो है बेस क्लियर करेंगे कि भाई इस तरह के फंडामेंटल सीखेंगे कि डाइल्यूशन करने से किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी डाउन होता है। तो मोलरिटी विल बी डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब सिर्फ आप पानी मिला रहे हो, तो
तो जब भी आप मोलरिटी करोगे, तो अगर मान लो फोर ऑप्शन है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो सिंपल हो जाएगा। अगर फोर ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आपको डाउन दिख रहा है, तो सीधा क्लिक कर देना बेटा उसी पे, वही आंसर हो जाएगा। टाइम सेविंग हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे अभी फर्स्ट वाला आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा बच्चों, तो हो सकता है कुछ बच्चों को यू हैड टू फेस टाइम प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट। तो वो धीरे धीरे इन चीजों से आगा, जैसे जैसे आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, आपको लगेगा कि यार इसमें तो नीड ही नहीं है मुझे इतनी सारी कैलकुलेशन करने की, एक ही तो ऑप्शन है जो पॉसिबल है, हम उसी पे टिक कर देंगे। यही जो आर्ट आपने साइंस में सीखना है कि भाई हम कई कई क्वेश्चन को सीधा डायरेक्ट कैसे सोल्व करें। सेकेंड पॉइंट में बेटा, किसी को अनडाउट, हैव यू एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, अगर हम 250 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दें किसी सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में, देन मोलरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और कैलकुलेट कैसे करोगे? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, इनिशियल मोल फाइनल मोल। क्लियर बेटा? यस सर। हर पॉइंट्स को ध्यान देते जाना है कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे सोल्व करना है। जैसे थर्ड पॉइंट पे आ जाओ बेटा, देखो थर्ड पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, हमने बोला है 10, हमारे पास ये सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में, 250 मिलीलीटर वाटर था और उसमें हमने 10 ग्राम NaH डाल रखा था। अब उसने थर्ड में क्या बोला, उसने डाइल्यूट नहीं किया बेटा, उसमें वाटर नहीं डाला, उसने सोल्यूट ही डाल दिया। उसने क्या कर दिया, इसमें एडिशन ऑफ 2 मोलर आएगा, एडिशन ऑफ 2 मोलर आ रहा है बेटा, देखते हैं। एडिशन ऑफ 10 ग्राम NaH और एक्स्ट्रा कर दिया और पूछ लिया अब मोलरिटी कितना होगा बेटा आपका। देखो अब की बार सोल्यूट के मोल, yes, sir, 2 मोलर है, 2 मोलर आ रहा बेटा, अभी चेक करते हैं, लेट मी चेक। तो 10 ग्राम, देखो 10 ग्राम NaH है, 10 ग्राम NaH है, तो अब ये मत लगाना बेटा फार्मूला, क्योंकि सोल्यूट के मोल अब कांस्टेंट नहीं रहे, सोल्यूट बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, इनिशियली वापस बेसिक फार्मूले पे चले जाएंगे। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रहा हो तो बेसिक फार्मूले पे चले जाओ। तो बेसिक फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल जो सोल्यूट के हैं तो वो वेट से निकालो, तो 10 ग्राम वेट पहले था NaH और 10 ग्राम और ऐड कर दिया, तो वेट अब निकलेगा 20/40 और वॉल्यूम तो उतना ही है 250 मिलीलीटर, तो 250 मिलीलीटर इंटू 1000। अब हमने सोल्यूट का वेट जो है 10 ग्राम से 20 कर दिया, तो अब आप बना दो बेटा इसको, ये आ गया इससे, ये जीरो कैंसिल, 4 तो 2 मोलर। तो देखो स्टार्टिंग सोल्यूशन कितना था बेटा, 1 मोलर, अब कितना हो गया, 2 मोलर। तो क्योंकि जब सोल्यूट बढ़ाओगे तो फिर मोलरिटी इंक्रीज होगी, और डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलरिटी डिक्रीज होगी, 1 से 2 हो गया। तो यू कैन से दैट, फिर इसका आप नोट बना लोगे कि मोलरिटी विल बी इंक्रीज, मोलरिटी विल बी इंक्रीज ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, पर दूसरी चीज कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए बेटा। तो मैं यहां पर अगर आपको मैथमेटिक्स की तरफ ले जाऊं तो बिल्कुल ही सिंपल दिखेगा आपको। देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ये मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर ये चीज कॉन्स्टेंट है और एन बढ़ेगा, एन इंक्रीज होगा तो मोलरिटी इंक्रीज होगी, बट इसके लिए ध्यान रखना है वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और अगर मैं n कांस्टेंट कर दूं, ये बढ़ाऊंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो मोलरिटी डिक्रीज होगा। मोलरिटी डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि n यहां पर कांस्टेंट है। अगर दोनों चीजें चेंज करोगे तो फिर कैलकुलेशन में इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये बेटा मोलरिटी और मोलरिटी पर डाइल्यूशन का इफेक्ट, या सोल्यूट एड करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, हाँ बोलो सर। अगर जो सॉल्यूट है, अगर जो सॉल्यूट है वो लिक्विड होगा, तो जब हमने सॉल्यूट ऐड किया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की। हाँ वो अभी आता हूँ उस पॉइंट पर, मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा। तो तब हम डेंसिटी का यूज करते हैं, जब दोनों लिक्विड हो जाते हैं ना तो टोटल मास निकालेंगे। अभी आऊंगा, स्टेप टू स्टेप चलते जा रहे हैं अपने, ठीक है बेटा। हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर सॉल्यूट और डाल रहे हैं तो फिर मोलारिटी भी इंक्रीज होगी। नहीं, ये सिर्फ कब कह सकते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट
वाटर हो या लिक्विड हो, देन वी कैन से दैट। ओके ओके बेटा, अब देखो, अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा और आगे ले जाता हूं। अब एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम परसेंटेज बाय वेट से मोलरिटी निकालते हैं, तो देखो एक आपको ये हो परसेंटेज बाय वेट एंड डेंसिटी इज गिवन। ध्यान देना है, जब ये दोनों चीजें हो तब आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है जो अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। आपके पास क्या होना चाहिए, परसेंटेज बाय वेट एंड डेंसिटी। कैसे, देखो एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम कोई मोलरिटी निकालते हैं, तो सही बात तो यह है कि मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लेते हो आप और वॉल्यूम लेते हो आप, और वॉल्यूम मिलीलीटर में सपोज है तो यहां 1000 लगाते हो। एक्चुअल में इसके साथ साथ आपको एक वर्ड लिखना चाहिए, ये किसके लिए बात सिखा रहा हूं, फॉर न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए स्पेशली, फॉर न्यूमेरिकल। तो यहां पर जो आप लिखते हो वो आपकी प्योरिटी लिखनी पड़ती है, कितने परसेंट प्योरिटी है, मतलब परसेंटेज प्योरिटी, एक्स परसेंटेज प्योरिटी। जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम 100% ले लेते हैं, अगर प्योरिटी जितनी होती है उतना परसेंट हम यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल वेट से निकालेंगे तो वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो ऊपर कितना आ गया आपके पास 1000। अब सपोज उसके अंदर वेट कितना भी परसेंटेज एक्स डब्ल्यू परसेंट कह दिया, तो डब्ल्यू परसेंट प्योरिटी है, मैंने बता दिया आप 10% 10% 20 30 40 प्योर होगा तो 100 हो जाएगा। अब वेट परसेंटेज को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा फार्मूला, वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000, वॉल्यूम को वी मिलीलीटर कह दिया हमने, वेट परसेंट तो वेट बाई जितना भी परसेंटेज है आपको, परसेंटेज जो 100 में लिखा जाता है जैसे डब्ल्यू परसेंटेज है तो वेट परसेंटेज बाई 100, बाई 10% तो 10/100 ही तो लिखोगे, 20% तो 20/100 ही तो लिखोगे आप, तो वेट बाई परसेंटेज लिखते हैं तो वेट अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, और ये 100 में से 20 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा ना, वेट परसेंटेज वेट इंटू डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी होना चाहिए ग्राम मिलीलीटर में, इंटू 10 डिवाइडेड बाई एम डैश। तो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए बन गया, एक न्यू फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया, जब भी आप कंपटीशन में करोगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्ट मोलरिटी फ्रॉम परसेंटेज बाई वेट एंड डेंसिटी। क्या फार्मूला, परसेंटेज बाई वेट जितना भी दे रखा है वैल्यू लिख देना, परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ग्राम मिलीलीटर में आ जाएगा, इंटू 10 और डिवाइडेड बाई मोलर मास, और ये मोलर मास हमारा सोल्यूट का है, ये ध्यान रखना। तो बेटा एक डायरेक्ट हमारे लिए फ्रेम हो गया फार्मूला। तो जब भी आपको परसेंटेज बाई वेट और डेंसिटी दिया हो तो आप ये मोलरिटी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इस पर काफी प्रोपिशियस एग्जाम्पल होते हैं, काफी फेवरेबल क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे, जैसे सपोज ये प्रॉब्लम आता है और एग्जाम में आता ही रहता है कई बार, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब देखो है ना इंटरेस्टिंग, अब प्योर वाटर की मोलरिटी पूछ रहा है, मतलब सोल्यूट तो कोई है ही नहीं, सोल्यूट ही खुद है, सोलवेंट ही खुद है, तो ऐसे केसेस आएंगे तब आपको ये फार्मूला हेल्प करेगा। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर HCl, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर जो है आपका कोई भी लिक्विड दे दिया, तो देखो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, जब प्योर वर्ड आ गया तो प्योर का मतलब है 100% वेट परसेंटेज जो आ गई, ये जो
परसेंटेज बाय वेट हो गया वो 100 हो गया, सारा का सारा परसेंटेज जब भी प्योर देख लो तो 100% वाटर ही होगा उसमें, और वाटर का डेंसिटी हमें पता है, और कोई लिक्विड होता तो गिवन होता, लेकिन वाटर होगा तो गिवन नहीं होगा। 1 ग्राम सर 55.5, वेरी गुड, इतना ही आएगा, याद रखना इस बात को बच्चों, दूसरे बच्चे भी याद रखना, 55.5, 55.5, 3, 5, 3, 5, सीधा क्वेश्चन आता है आते ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, सीधा टिक कर देना। वाटर जो कभी भी प्योर वाटर देख लो, कितना ही अमाउंट हो, मोलरिटी तो पर लीटर निकालनी है ना, तो प्योर वाटर क्या फार्मूला लगा आपका, मैंने ये लगाया फार्मूला, इस फार्मूले को 2-4 बार लिखना फिर याद हो जाएगा। देखो क्या फार्मूला था, फार्मूला था परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही था ना बेटा, तो मोलरिटी परसेंटेज बाई वेट प्योर है तो 100, डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीटर, कुछ नहीं दिया हुआ 1 ले लो, कुछ दिया हुआ वो यूज कर लो, 10 और वाटर का 18 होता है, तो 1000 को जब भी 18 से डिवाइड करोगे तो इतना आंसर आएगा बेटा आपका। इट इज वेरी इंडिस्पेंसेबल, बहुत बार इतना इजी सा क्वेश्चन आ जाता है, वेट कितना भी दे दे, मैं ऐसे कह दूं कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इन इट्स 10 kg, अमाउंट कितना भी हो प्योर वाटर, आपने जहां भी वर्ड देख लिया तो ये आंसर लगा देना वर्ड। अगर डेंसिटी 1 ग्राम है, डेंसिटी वो चेंज कर दे, ऐसे लिख दे 0.9 ले लो वाटर की डेंसिटी, तो कैलकुलेट कर लेना बेटा, परसेंटेज बाय वेट तो है ही, डेंसिटी रख देंगे हम, और कोई लिक्विड होगा तो डेंसिटी गिवन होगी वो रख देंगे। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में, जब हमारे पास परसेंटेज बाय वेट हो और हमारे पास डेंसिटी हो, देन हम मोलरिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो अब बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, देखते हैं कौन कितना जल्दी देता है आंसर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 49% बाय वेट H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 49% बाय वेट H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2। कई बार डेंसिटी की जगह ना ये वर्ड भी दिया होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो तब भी डेंसिटी ही लेना। 6 मोलर, वेरी गुड बेटा, कैसे कैसे लगाया आपने सर, वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया। इतना ध्यान देना है कि जब प्रॉब्लम आए तो यहाँ देखो परसेंटेज बाई वेट दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है और मोलरिटी निकालना है, जब भी ऐसा केस आ जाए तो आपको पता है ये ऊपर वाला फार्मूला है वो लग जाएगा। तो क्या फार्मूला लगाओगे, मोलरिटी परसेंटेज बाय वेट। देखो इन ट्रिक से क्या है, बड़ी जल्दी बड़े बड़े न्यूमेरिकल इजिली सोल्व कर पाओगे, परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, तो परसेंटेज बाय वेट कितना आ गया 49, डेंसिटी कितना है हमें गिवन है 1.2 इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98, तो ये पॉइंट तो इससे कैंसिल हो गया, 49 2 से कैंसिल हो गया, तो इट मींस कितना आ गया बेटा 6 मोलर, इसमें हमारा 6 मोलर आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, मान लो आपको मिक्सचर दे दे और मोलरिटी निकालनी हो, इफ 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर HCl इज एडेड विद 0.05 मोलर 100 मिलीलीटर HCl, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ऐसी प्रॉब्लम आ गई, देखो आप
आपने दो मटेरियल को ऐड कर दिया। तो अब एक चीज देखो बेटा क्लियर है कि आप इसको थोड़ा फिर वही बात है प्रैक्टिकली रियलाइज करते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। पहला जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का 100 मिलीलीटर लेकर के या टोटल सॉल्यूशन का और HCl मिला रखा है, HCl का सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर और उसकी मोलरिटी दे रखी है 0.1। फिर प्लस दूसरा जो सॉल्यूशन किया आपने उसमें भी 100 मिलीलीटर है और 100 मिलीलीटर है 0.05 मोलर मोलरिटी है, वो भी HCl का है, दोनों ही एसिड हैं। अब दोनों को ऐड करके फाइनल मोलरिटी निकालनी है आपने। तो एक काम करते हैं ना कि भाई इसके मोल और इसके मोल ऐड करके नए टोटल मोल बना लेते हैं, तो क्या फार्मूला होगा, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू फाइनल मोल। और नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M final V final। M1 हमारे पास है 0.1, वॉल्यूम भी हमारे पास है 100 मिलीलीटर, M2 देखो है हमारे पास 0.05, वॉल्यूम भी है 100 मिलीलीटर, फाइनल मोलरिटी निकालना है, फाइनल वॉल्यूम देखो जब दोनों को मिक्स करोगे तो 100 मिलीलीटर इसका और 100 मिलीलीटर इसका, ये तो टोटल हो जाएगा 200 मिलीलीटर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0.05 को करेंगे तो 5 और ये 200 फाइनल, तो फाइनल मोलरिटी आ गई 15/200। तो फाइनल देखो बेटा फाइनल क्या आ गया हमारे पास 15/200, तो ये फाइनल आ गई। तो फाइनल है तो इसको आप जैसे सोल्व करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, तो 2 से करेंगे ये तो 0.075 मोल, हाँ बेटा ऊपर 7.5 आ जाएगा, तो फाइनल 0.07 आ रहा है, 0.075 मोलरिटी आ जाएगा। तो अगर दोनों एसिड हैं तो एक दूसरे मिक्स करके नया एसिड आपने बना लिया, तो इस तरीके से आपका टोटल मोलरिटी आ जाएगा। टोटल मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दोनों एक जैसे हों। समझ गए बेटा, किसी को डाउट? अब मैं थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम दे रहा हूं, थोड़ा ट्रिकी। इफ 0.1 मोलर 50 मिलीलीटर HCl इज मिक्स्ड विद 0.05 मोलर 100 मिलीलीटर H2SO4, देन व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ एच पॉजिटिव आयन। एक लेवल इंक्रीज कर दिया मैंने क्वेश्चन को। If 0.1 molar 50 milliliter HCl is mixed with 0.05 molar 100 milliliter H2SO4, then what is the final molarity of H positive ion? देखो बच्चों, इस पे आपको you need to focus on this point. आपको H positive ion का molarity चाहिए, तो molarity H positive ion का तो formula भी तो इसी का ही लगेगा ना। Molarity of H positive ion is equal to नंबर ऑफ मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, आपको सिंपली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आपको, देखो वन बाय वन रियलाइज करते जाओ, फिर ये रियलाइजेशन जो होगा अब काम आएगा। प्लीज पे अटेंशन ऑन दैट प्रायोरिटी विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको जो निकालना है उसी चीज पर आपने फोकस करना है। अब ये नहीं कि बस फार्मूला ही लगाते जाएं, पिछली बार तो इसलिए लगाया था बिकॉज आपने HCl की मोलरिटी निकाल रहे थे और दोनों HCl ही थे, तो एक जैसी चीजें थी, तो हमने उनके मोल HCl के ऐड करके नए वाले मोल निकाल दिए। अब वो आपको इंफॉर्मेशन किसका दे रहा है, इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द
HCl and H2SO4, and you want to calculate the molarity of H positive ion. And how can we calculate the molarity of H positive ion? If we know about the moles of H positive ion and total volume, then mole of H positive ion is divided by the total volume. It will give us total final molarity. So, देखो कैसे. सबसे पहले मैं इसको सोचता हूँ. जितना pondering करोगे बेटा, जितना विचार करोगे, उतना आपके लिए बहुत easy हो जाएगा. Suppose, अब देखो मेरे पास एक solution है. आप एक्सपर्ट हो जाओगे न्यूमेरिकल करने में. फर्स्ट चैप्टर में आपकी कैलकुलेशन तैयार हो गई, तो आगे वाले चैप्टर तो बहुत इजी है. बाकी थियोरेटिकल जो चैप्टर है, आगे 3-4 चैप्टर आने वाले हैं, वो बहुत इजी है. देखो ये आपका सपोज सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन किसका है बेटा, जरा देखना, HCl का. HCl सॉल्यूट है जो पानी में डाल रखा है, और टोटल सॉल्यूशन है इसमें वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर और मोलरिटी है 0.1. तो मैं इसमें क्या निकाल सकता हूं बेटा, इसमें मैं ये पता कर सकता हूं कि HCl के मोल कितने हैं, क्योंकि मेरे पास मोलरिटी और वॉल्यूम है. तो यहां से मैं एक काम करता हूं, मैं सोचता हूं कि भाई कैलकुलेट करता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितने हैं यहां पर. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कैसे निकालोगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में. तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में निकालूंगा, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, मोलरिटी तो गिवन है मेरे पास 0.1 और वॉल्यूम है 50 मिलीलीटर, तो लीटर में करूंगा तो 1000 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब 10^-3 लिख देता हूं. तो ये मेरे पास कितना आ गया, 5 × 10^-3 मोल HCl. इसका मतलब जो पहला सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरे पास HCl के मोल जो है वो 5 × 10^-3 है. अब जो है इसमें एक चीज देखो, यू कैन सी HCl फार्मूला. देखो HCl जितने HCl होंगे, 1 HCl में 1 ही तो H होगा, 2 HCl होंगे तो 2H होंगे, तो जितने HCl हैं उतने H+ आयन है. तो यहां से मुझे H+ आयन कितना मिलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl. तो यहां से जो मुझे H+ आयन मिल गए, NH पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl, तो कितना मिल गया, जितना HCl होगा तो वो भी उतना ही मिला मुझे, 5 × 10^-3. किसी भी बच्चे को बेटा यहां डाउट, यहां तक कि एक HCl का सॉल्यूशन था, HCl की मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा था, तो मैंने मोल निकाल ली HCl के. HCl के मोल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, मिलीलीटर था इसलिए 10^-3 कर दिया मैंने, तो 5 × 10^-3. और ये क्लियर है फार्मूले से, HCl जितने HCl, जैसे ऐसे लिख दूं 1 HCl, तो 1 HCl में H भी तो 1 ही होगा, 1 HCl में, तो जितने HCl होगा उतने H पॉजिटिव आयन. तो यहां से मैंने H पॉजिटिव आयन कैलकुलेट कर दिए, बिकॉज योर फाइनल टारगेट टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन, सो दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन. पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे, तब जाके फाइनली आप मोलरिटी करोगे. अब दूसरे सोल्यूशन में चलो, दूसरा सोल्यूशन HCl का तो नहीं है, H2SO4 का है. देन हम चलते हैं सेकेंड सोल्यूशन में. लेट वी ट्राई to calculate the H positive ion in next solution. Next solution is of H2SO4. और H2SO4 का उसने क्या किया आपको? Volume given है आपको 100 milliliter बेटा. और volume 100 milliliter है, और molarity given है आपको 0.05. तो अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं? Number of mole of पहले H2SO4 निकालता हूं. Number of mole of H2SO4 तो molarity into volume. वही वाला formula. तो नंबर ऑफ मोल मोलरिटी कितनी है मेरे पास, 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर है, तो लीटर कन्वर्ट कर देते हैं 10^-3. तो ये कितना आ गया मेरे पास, 5 × 10^-3. बट वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन. यू कैन सी या यू कैन चेक द फार्मूला ऑफ H2SO4. जितने H2SO4 होंगे, जैसे अगर मैं 1 H2SO4 ले लेता हूं, तो 1 H2SO4 में H तो 2 हो गए, 1 × 2. तो जितने H2SO4 लूंगा उसका H पॉजिटिव आयन उसका डबल होंगे. तो यहां से जो मुझे NH पॉजिटिव आयन फ्रॉम H2SO4 मिलेंगे बेटा, वो मिलेंगे डबल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4. जितने H2SO4 होंगे, मान लो एक H2SO4 है तो आपको 2H देगा ना, 2 H2SO4 है तो 4H देंगे. तो जितने H2SO4 होंगे, H उसका डबल है, तो H2SO4 के मोल तो कैलकुलेट कर रखे हैं. तो आपने यहां से फिर H पॉजिटिव आयन H2SO4 से निकाल दिए, तो ट्वाइस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 5 × 10^-3. तो ये कितना आ गया आपके पास, 5 × 10 × 10^-3. अब क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट देखो, इन दोनों को वो कहता है मिक्स कर दिया आपने,
तो आपने जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये और ये सॉल्यूशन दोनों मिक्स हो गए, ये और ये मिक्स हो गए। तो मिक्स होने पर टोटल देखो क्या आ गया, अब टोटल एच पॉजिटिव आयन देखो कितने आए, नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, तो टोटल हो गए 5 × 10−3 प्लस 10 × 10−3, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 15 × 10−3। और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया देखो दोनों जब मिक्स किया तो आपने, तो वॉल्यूम इधर 50 मिलीलीटर था इधर 100, तो टोटल हो गया आपके पास 50 + 100, तो टोटल हो गया 150 मिलीलीटर। अब इन दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी, तो मोलरिटी निकालनी है फाइनल आपको एच पॉजिटिव आयन का, तो नंबर ऑफ टोटल एच पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन टोटल देखो कितना आ गया आपने कैलकुलेट किया ये रहा 15 × 10−3, और टोटल वॉल्यूम देखो 150 मिलीलीटर, तो इसको भी लीटर में चेंज कर दो, पॉइंट वन मोलर, तो एच पॉजिटिव आयन पॉइंट मोलर। तो यही मैंने बोला था कि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा सा आपको बस दो चार बार ये है कि आपको उसको दिमाग में रखना है और कैलकुलेट करना है। क्या किया मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 0.1 मोलर 50 मिलीलीटर HCl इज मिक्स्ड विद 0.05 मोलर 100 मिलीलीटर H2SO4 देन व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। अगर मुझे H पॉजिटिव आयन फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन का मोलरिटी निकालना है तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल पता लगेंगे और टोटल वॉल्यूम होगा तभी तो मोलरिटी निकालूंगा। तो मैंने पहले सॉल्यूशन में HCl में मोलरिटी और वॉल्यूम था तो नंबर ऑफ मोल HCl के निकाल लिए, HCl के मोल निकालने के बाद H पॉजिटिव आयन कैलकुलेट कर लिए, जितने HCl होंगे उतने H पॉजिटिव आयन। दूसरे वाले सॉल्यूशन में H2SO4 था, दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमारा H2SO4 था तो H2SO4 के मोल निकाल लिए, और जितने H2SO4 होंगे उसका डबल H पॉजिटिव आयन है तो H प्लस आयन के मोल निकाल लिए। जब ये दोनों हो गया, अब मैंने कहा कि सपोज मैं प्रैक्टिकली दोनों को क्या कर देता हूं, मिक्स कर देता हूं। जब मैं दोनों को बेटा मिक्स कर दूंगा तो मैंने इसके मोल ऊपर वाले के मोल और इसके मोल मिक्स कर दिए तो टोटल मोल तो इतने हो गए किसके, एच पॉजिटिव आयन के, और टोटल वॉल्यूम इतना हो गया बेटा। तो अब मोल भी आ गए वॉल्यूम भी आ गया एच पॉजिटिव आयन का, तो मोलरिटी का फार्मूला लगा दिया, एच पॉजिटिव आयन वॉल्यूम 0.1 कर दिया। क्लियर बेटा, हैव यू एनी डाउट एट एनी केस एनी पोजिशन एनी पॉइंट? सर हाँ बोलो बेटा। सर HCl वाली केस में हाँ नंबर ऑफ उतने ही होंगे ना जितने नंबर ऑफ मोल HCl होंगे? हाँ बिल्कुल, जितना HCl होंगे उतने ही मोल H पॉजिटिव आयन के होंगे। नहीं सर क्लोरीन के? हाँ क्लोरीन के भी उतने ही होंगे, वो तो फार्मूला दिख रहा है ना मैं, जैसे देखो HCl तो एक HCl में एक H और एक Cl, तो जितने HCl होंगे इसको ऐसे सोचा करो, लिमिटिंग रिएजेंट किया था ना बेटा हमने, उससे सोचा करो। देखो 1 HCl है, अगर 1 HCl को ब्रेक करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 H पॉजिटिव आयन और 1 Cl नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब 1 HCl में अगर HCl एक लिया तो H पॉजिटिव आयन भी तो एक है और Cl भी एक है, तो जितना HCl में जितने HCl होंगे उतने ही H पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही Cl नेगेटिव आयन होंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और किसी को बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट फिर एक प्रॉब्लम बना रहा हूं मैं, इसमें सारा जो है कैलकुलेटिव पार्ट है, अब जो है ना ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम। फाइव पॉइंट एट फाइव ग्राम NaCl इज dissolved in 100 milliliter water. How many mole of ions in 10 milliliter water? ये कैलकुलेट करना बेटा आपको, 5.85
85 ग्राम, ये पिछले क्वेश्चन की थीम पर है प्रॉब्लम, ध्यान देना, सीधा सिर्फ फार्मूला बेस्ड नहीं है। 5.85 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर वाटर, हाउ मेनी मोल ऑफ आयन इन 10 मिलीलीटर वाटर। लेट्स सी क्या किया मैंने, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते हैं इसमें। इसमें देखो पहले आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया है, ये क्या आपका 100 मिलीलीटर वाटर, और 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर आपने डाल दिया 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, 5.8 ग्राम है ये, तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl निकालता हूं, क्योंकि मुझे टोटल मोल निकालना ना है इनके, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे बेटा, वेट अपॉन फार्मूला वेट, वेट कितना दिया हुआ है आपको 100 मिलीलीटर वाला केस सोल्व कर रहा हूं, 5.85, और NaCl का देखो कितना आएगा, NaCl Na का होता है कितना, 23, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 58.5, तो कितना आ गया 0.1 मोल NaCl आ गई, लेकिन 0.1 मोल NaCl तो 100 मिलीलीटर में है ना बेटा, हमें किसके अंदर चाहिए पहले तो 10 मिलीलीटर, तो अब देखो सिंपल कैलकुलेशन लगाएंगे, 100 मिलीलीटर कंटेन 0.1 मोल NaCl, तो हमें 10 मिलीलीटर में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 10 मिलीलीटर 10 टाइम कम हो जाएंगे, 10 मिलीलीटर कंटेन 0.1/100 इंटू 10, यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं हम, तो कितना हो गया देखो 0.1 का 10 टाइम मतलब 0.01 मोल NaCl। अप टू हेयर, एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट, मैंने क्या किया, सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन किया, 100 मिलीलीटर में 5.85 ग्राम NaCl थे, तो 5.85 का मतलब मेरे NaCl के मोल आ गए 0.1, लेकिन ये 0.1 मोल कितने में, 100 मिलीलीटर में, मेरी फाइनल कैलकुलेशन 10 मिलीलीटर में चाहिए मुझे, सो 100 में इतना है तो 10 टाइम कम कर दिया, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 0.01 मोल NaCl, देन व्हाट टू डू, अब देखो, अब आपके 0.1 मोल 10 मिलीलीटर में आ गए, अब ये तो NaCl के मोल है ना, अब आप देखो वही वाला पॉइंट जो अभी मैं क्लियर करना चाहता था आपको, कि अगर NaCl है तो एक NaCl में तो दो आयन होते हैं, एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव, तो ईच NaCl, वैसे भी वाटर में डालोगे तो डिजोल्व होकर दो आयन देगा एक, ईच NaCl कंटेन टू आयन, तो इसका मतलब आयन्स जो होंगे मोल्स ऑफ आयन इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो NaCl के मोल निकाल लिए आपने 10 मिलीलीटर में, तो 2 इनटू कितना था वो हमारे पास 0.01 मोल, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 0.02 मोल, बट डोंट स्टॉप अप टू फाइनल डिसीजन, फाइनल आंसर, उसने हाउ मेनी मोल पूछा है आयन का, तो मोल इतना आ गया, अगर वो बेटा आपको कह देता कि नंबर भी बताओ हाउ मेनी मोल एंड नंबर, ये भी कह देता तो ये मोल आ गए, मोल हटा के अवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट कर लेना था, तो मोल क्या निकालोगे, इसका आंसर क्या दोगे आप, मोल जो है फाइनल में इन 10 मिलीलीटर, इन 10 मोल किसके, आयन्स, मोल्स ऑफ आयन कितने आए 0.02 मोल लिख दो या अवोगैड्रो नंबर लिख दो, इतने मोल आए 0.02 Na, और अगर वो कहता नंबर बताओ तो 0.02 Na में 6×10^23 कर देंगे, तो फिर सिर्फ आयन्स का नंबर रह जाए, तो उसने हमें पहले, मैंने इसको लिख दिया हाउ मेनी मोल, पहले मोल कैलकुलेट कर लिए, फिर हमने आयन कैलकुलेट कर लिए, इज इट क्लियर, हैव एनी डाउट, यस सर, क्लियर, यस सर, हाँ, तो बेटा मैं इस पर फिर आपको अभी जो है एक वो डीपीपी में अभी डालूंगा, तो इस पे प्रॉब्लम करने, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना अभी आगे के लिए बहुत फायदा रहेगा,
आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और काफी प्रॉब्लम बना सकते हैं, बहुत देर बात की जा सकती है। बाकी हम प्रैक्टिस में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ आप अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। अब मोलेरिटी के बाद दूसरा जो हमारे पास है एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है मोलेलिटी। दूसरा जो है बेटा वो है एक मोलेलिटी। जो स्मॉल एम से लिखते हैं ये क्या चीज है, वो मोलेरिटी है मोलेलिटी ये है। इट इज द, एक एक वर्डिंग पे ध्यान देना बेटा, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 kg सोलवेंट। देखो दो चीजों में मैंने चेंज कर दिया बेटा, इस बार ऊपर वाला तो सेम है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, बट अब किसमें डिजोल्ड है, वॉल्यूम नहीं है, वेट ही है 1 kg, और सोल्यूशन नहीं है, सोलवेंट है। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सोलवेंट। तो फार्मूला क्या बनाओगे, देखो मोलेलिटी का, तो बेटा फार्मूला आप बनाओगे, मोलेलिटी को स्मॉल एम से लिखेंगे, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे बेटा आप लिख दोगे वेट, लेकिन वेट लिखोगे सोलवेंट का, वेट ऑफ सोलवेंट वो भी किलोग्राम में, मतलब अगर आपके पास ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोलवेंट है, ये ध्यान देना सोल्यूशन नहीं है सोलवेंट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोलवेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, ये भी लिखा जा सकता है। तो m मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, या मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, तो वो भी तो सॉल्वेंट ही आ जाएगा बेटा। या आप क्या कर सकते हैं इसको, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट आपको ग्राम में दे दे तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना, 1000 लगा देना। पहले की तरह इसका यूनिट देखो, यूनिट नंबर ऑफ मोल नीचे वेट, तो यूनिट आ जाएगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, और ये ऐसा यूनिट होगा मोल पर किलोग्राम। एंड हेयर यू कैन सी वन ड्रेस्टिक डिफरेंस फ्रॉम मोलेरिटी एंड मोलिटी, वहां पर नीचे वॉल्यूम था तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन वेट तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो ऊपर भी वेट नीचे भी ये वेट, तो दोनों जगह वेट बाई वेट होता है या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, दोनों एक जैसे होते हैं, तो फिर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आता है। तो आप बोलोगे सिंस इट इज वेट बाई वेट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट, वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, तो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। तो मान लो देखो, अब आपकी एक बात करने जा रहे हैं अपने, कि सपोज कोई एक स्टूडेंट है, एक साइंटिस्ट है, लैब में एक सॉल्यूशन बनाता है और आज बना के चला जाता है और उसकी कैलकुलेशन छोड़ देता है, लिख के दे छोड़ देता है एक पेज पे, और मोलेरिटी निकालता है और मोलेरिटी कैलकुलेट करके छोड़ देता है, और कल को आ जाता है और कल को एकदम सी टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, एटमोस्फेयर के टेम्परेचर चेंज आएगा तो मोलेरिटी तो चेंज हो जाएगी, बट मोलेरिटी की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो बेस्ट होता है कंसंट्रेशन टर्म मेजरमेंट का, वो आपका मोलेलिटी होता है, मोलेलिटी, क्योंकि इससे टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर 6 मंथ भी कोई आएगा तो वो कैलकुलेशन उतनी ही रहनी है, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगा। तो मोलेलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सोलवेंट, मतलब मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोलवेंट, या मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूशन, वही फार्मूला है, बस मैं चेंज करते जा रहा हूं। क्लियर बेटा, वो ऊपर वाला मोलेरिटी कैलकुलेशन था, ये कौन सा कैलकुलेशन है, मोलेलिटी, मोलेलिटी। अब क्या है कि इसमें बहुत बड़ी और लेंदी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं फिर एक ट्रिक लिख के दे रहा हूं आपको, एक फार्मूला जो आपके लिए फिर हेल्पफुल रहेगा काफी, इट वुड बी हेल्पफुल टू यू टू इजी सॉल्यूशन ऑफ द लार्ज या लॉन्ग न्यूमेरिकल। तो ये देखो कैसे, हाउ, अगर आपको
मोलरिटी भी दे रखा है बेटा, इफ मोलरिटी मोलैलिटी डेंसिटी मतलब परसेंटेज बाय वेट नहीं है, मोलरिटी है, मोलरिटी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, देन आप ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देना, वन अपॉन कैपिटल ऑफ मोलरिटी वन अपॉन डेंसिटी ब्रैकेट स्टार्ट वन अपॉन स्मॉल एम मोलरिटी प्लस एम डैश जिसका सोल्यूट बनाओगे, तो डायरेक्ट इससे सोल्व कर लेना आप 1000, मतलब बहुत सारी चीजों में से कोई एक मिसिंग होगा वो आप निकाल लोगे। यहां जो कैपिटल एम है स्टैंड फॉर द मोलैरिटी, डी जो है डेंसिटी सॉल्यूशन का होगा, या कई बार ये वर्ड लिखा होगा जैसे मैं अभी बोला आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली ये ग्राम पर मिलीलीटर में होगा क्योंकि 1000 तभी आया है, और एम मोलैरिटी है और एम डैश मोलर मास है ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आपका मोलर मास है। तो यहां से आप जो है डायरेक्ट मोलरिटी मोलिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी मोलिटी और डेंसिटी। तो देखो मैंने आपको कुछ डायरेक्ट फार्मूले फार्मुलेशन बताया कुछ केसेस में, पिछला बताया था परसेंटेज बाय वेट और डेंसिटी हो तो परसेंटेज बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना और 10 से, और डिवाइडेड बाय मोलर मास सॉल्यूट कर देना। लेकिन अगर मोलरिटी डेंसिटी मोलिटी सब दे रखा हो तो फिर यू कैन यूज दिस फार्मूला, जैसे एट द एंड ऑफ लेक्चर आई एम गोइंग टू गिव दिस क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ टू पॉइंट टू मोलर एक्वस सॉल्यूशन of NaOH, density of solution is 1.1 gram per milliliter। ये problem दे दिया, ये problem वैसे करेंगे तो बेटा बहुत बार एक एक step में solve करेंगे तो बहुत lengthy होगा, but आप इसको ध्यान दो, देखो molality m calculate करना चाहते हो आप, 2.2 molar capital M दे रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूट दे रखा है तो एम डैश NaOH भी आ जाएगा आपके पास 40, और डेंसिटी दे रखा है 1.1 ग्राम, तो डेंसिटी M एम डैश, देखो M कैपिटल M पड़ा है, D रखा हुआ है आपके पास कैपिटल D स्मॉल D कुछ भी लिख लो, और M डैश रखा हुआ है, सिर्फ M ही तो निकालना है, तो डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फार्मूला। तो कैसे कर इनको इवन डिराइव भी कर सकते हैं हम, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो। तो वन अपॉन मोलरिटी गिवन है 2.2, डेंसिटी गिवन है 1, मोलर मास गिवन है 40/1000, तो ये कैंसिल हो गया 1/2, 1/2 कितना हो गया 0.5, या 1/2 ही रहने दो, इधर आ जाओ 40/2.17 मोलर, बस अब कैलकुलेट कर लेंगे बेटा 1000 आ गया, ये कितना हुआ 1000, ये हुआ 1000 × 2, तो ये हो गया 1000, और ये कितना आएगा, ये लिया ना फिर 2 × 1000, तो 1000 ये 80 हो गया, तो कैलकुलेट कर लेंगे जो एम करेंगे कैलकुलेट तो वो हमारे पास आ जाएगा मोलरिटी, कैलकुलेट कर लोगे बेटा यहां से आगे कैलकुलेशन, ये स्मॉल एम कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो इस टाइप से जो है आप मोलैलिटी मोलरिटी डेंसिटी बहुत सारे दे रखे हो तो उनके साथ आप
डायरेक्ट ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। इवन इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके ये डिराइव भी किया जा सकता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान रखना क्योंकि बीच में अभी टॉपिक बड़ा है, तो कहीं नेक्स्ट क्लास में आए तो फिर ये मिस ना हो जाए, तो मैं आपको ये रिलेशन निकालूंगा इसका, रिलेशन ऑफ मोलैरिटी विद परसेंटेज बाय वेट एंड पीपीएम। तो यहां मैं अभी स्टॉप कर रहा हूं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशन ऑफ मोलैरिटी एंड जो बची हुई आपकी और कंसंट्रेशन टर्म है विद परसेंटेज बाय वेट एंड पीपीएम। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, और लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।